Good morning, student. Today, I want to teach you about circular motion in vertical circular motion, in a vertical circle. हालांकि कि ये इस चैप्टर के साथ नहीं दिया हुआ है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो वहाँ हम उसको नहीं पाएंगे। इसी के साथ सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक साथ ही इसको पढ़ते हुए चले। जैसे वेक्टर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट होने का कि इधर नहीं है आगे है, लेकिन उसको साथ ही हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको एक साथ ही पढ़ते चलें। ये चीज़ें कंप्लीशन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास 11 जो भी हम पढ़ाते हैं वो कंप्लीशन के लिए पढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, क्योंकि आप 10th से आए हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और आप जब 12th पास करोगे, कंप्लीशन में जाओगे, तो आपको लगेगा कि सर ने ये चीज़ पढ़ाई थी। तो आइए हम लोग देखते हैं मोशन में वर्टिकल सर्कल। ये देखो, ये कोई वस्तु है, उसको एक रस्सी से बांध करके घुमा रहे, और ये पॉइंट ए है, इसका उच्चतम बिंदु है, ये पॉइंट बी इसका न्यूनतम बिंदु है, ये इसका सेंटर है। एक पॉइंट इस पर हम पावरफुल ऑवरेंज जनरल पॉइंट होगा सी हमने ले लिया। एक बार अगर मान लो वेलोसिटी इसकी बी ए है, बी पर वेलोसिटी जी बी है, और सी पर सिर्फ वेलोसिटी को बी कह दिया जाए, हमने कहा कि जनरल पॉइंट हम ले रहे हैं। अब देखो, पॉइंट ए पर जो बॉडी का वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है, तो एनजी के वेट काम किया डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो टेंशन होगा रस्सी में, रस्सी में जो तनाव होगा, जो टेंशन होगा, वो भी उसी डायरेक्शन में। यहां क्या होगा, यहां एनजी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन जो टेंशन होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। इस पॉइंट पर आप देखो टेंशन इस डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या एंगल अगर आपका थीटा है, तो देखो ये एंगल जो होगा वह एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, आपकी दो पैरेलल हो जाएंगे, ये और ये, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो अगर ये थीटा होगा तो इस डायरेक्शन में ये वेट का जो कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा होगा। अब देखो फोर्स दे रहे हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, तो ये दोनों मिलकर भी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा एम जी स्क्वायर बाई एम जी ए स्क्वायर बाई आर, आर इस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब देखो अगर यह मान लिया जाए कि ये फील्ड सिर्फ यहां घूम ही रहा है, यहां इसे कोई भी वेट माने सिर्फ घूमना है इसको, तो उस समय टेंशन को जीरो किया जा सकता है। रिमेंबर टेंशन कांट बी नेगेटिव, ये अपोर डायरेक्शन में नहीं हो सकता। अगर अपोर डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये बॉडी सेंटर की तरफ गिर पड़ेगा। इसका मतलब जो टेंशन होगा दैट विल बी लीस्ट एट दिस पॉइंट,
अगर यहाँ है तो फिक्स होनी चाहिए जरूरी है इफ टी ए इक्वल जीरो. तो इन दैट केस देन वी ए इक्वल वी सी, वी सी इज क्रिटिकल वेलोसिटी. मिनिमम वेलोसिटी एट द मैक्सिमम पॉइंट फॉर व्हिच टेंशन इक्वल जीरो. क्रिटिकल वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट फॉर व्हिच टेंशन इज जीरो बिकम्स जीरो. तो अब अगर तब उस कंडीशन में वी ए वी सी हो जाएगा, यहां हम पी ए को जीरो कर रहे एन वी इक्वल एन वी सी स्क्वायर बाई हाफ, यह कैंसिल हो जाएगा और वी सी स्क्वायर इक्वल हम लोगों को मिल जाता है स्टूडेंट्स डी आर, और वी सी इक्वल रूट ओवर डी आर. आप देखो किसी छोटी सी बाल्टी को हाथ में लेकर कभी कभी आप ऐसे घुमाने लगते हो छोटे में बचपन में आनंद लेने के लिए, तो और तो पानी जो है बाल्टी का आपके सर पे नहीं गिरता है, लेकिन जहां इससे कम वेलोसिटी हुई वो जो उसका पानी होगा आपके सर पर गिर जाएगा. तो दिस इज द लीस्ट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. अब देखो इस स्थिति में पॉइंट सी की क्या कंडीशन होगी. ये देखो अगर हम यहाँ बी कर रहे हैं तो एट पॉइंट सी आप जानते हो ग्राफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है. तो पॉइंट ए पर जो एनर्जी होगी वही एनर्जी सब होगी. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पर हाफ एम जी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर हाफ एम जी सी स्क्वायर. हम उस कंडीशन में निकाल रहे हैं जब वेलोसिटी क्रिटिकल हो, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच, एच आपका ए बी हुआ, ये ऊंचाई है सी सी से. अब ए बी देखो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी ए ओ प्लस ओ बी के बराबर हो जाएगा. ए बी इक्वल ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ आपका आर है और ओ बी आपका ओ सी का सी है, मीन्स आर प्लस आर कॉसिका, ये हो जाएगा आर वन प्लस कॉसिका. यम देखो हाँ देना से कट जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर तो थ्री स्क्वायर इक्वल थ्री सी स्क्वायर प्लस टू जी, ये आर वन प्लस पास. बी सी की वैल्यू बी सी स्क्वायर दिया, जी आर प्लस टू जी आर प्लस टू जी आर पास इक्वल थ्री जी आर प्लस टू जी आर कॉस थीटा. यहां जी आर कॉमन ले लिया जाए और वी स्क्वायर इक्वल जी आर थ्री प्लस टू कॉस थीटा. आर वी इक्वल
अंडर रूट वी आर पी प्लस टू कॉस थीटा। ये स्टूडेंट कॉमन फार्मूला मिला हमको इलास्टिक के लिए, एक बार आप फिर देख लें। ये सर्कुलर पाथ में कोई यम द्रव्यमान की बॉडी को रस्सी से बांध करके घुमाया जा रहा है। पॉइंट ए पर जो वेग है वो इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी, वेग और टेंशन ओ की तरफ होगा। पॉइंट बी पर वेग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और टेंशन सेंटर की तरफ। एक पॉइंट सी दिया हमने, ये जनरल पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी वी, वेग एम वी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टी सेंटर की तरफ लगेगा। एम जी का कंपोनेंट अगर टी के पहले लेते हैं तो एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो पॉइंट ए पर एम जी और टी दोनों मिलकर के सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहे हैं, ये एम जी स्क्वायर बाई आर। अब एक शर्त रखेंगे कि अगर यहां वेलोसिटी मिनिमम हो जिससे कि सिर्फ घूम सके तो टेंशन आपका जीरो हो जाएगा। टेंशन जीरो हो जाएगा तो जी ए को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कर लेंगे। अब टी ए को जीरो रख दिया जाए और जी ए की जगह वी सी, तो ये वी सी पर अंदर डी आर आ रहा है। ये टी ए इक्वल जीरो हो गया, वी के वी सी के बराबर हो गया। यहां जीरो प्लस एम वी एम वी सी स्क्वायर बाई आर या VC स्क्वायर पर दिया VC पर अगर दिया। अब देखो एक अगर यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी है तो पॉइंट C पर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट C ऊपर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर ऊपर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर और प्लस एम वी इन ए वी, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी। एडी को हम ए को प्लस ओ डी लिख सकते हैं, ये आर प्लस ओ सी कॉस थीटा हो जाएगा। ओ सी आर के बराबर होगा तो आर प्लस आर कॉस थीटा, आर कॉमन ले लेंगे वन प्लस कॉस थीटा यहाँ हमने। अब इसको टू जी आर प्लस टू जी आर कॉस थीटा ये हो जाएगा, तो टू जी आर प्लस जी आर थ्री जी आर प्लस टू जी आर कॉस थीटा। अब ये वी स्क्वायर पर इतना मिला या वी पर अंडर हो। अब इसमें यहाँ आप देख लो पॉइंट ए पर अगर होंगे तो ये थीटा आपका 180 डिग्री हो जाए, तो थीटा इक्वल 180 डिग्री, तो वी इक्वल आपका हो जाएगा अंडर रूट वी आर थ्री माइनस टू राशि सी का मान माइनस वाला होता है, ये अंडर रूट वी आर जो क्रिटिकल वेलोसिटी है। यही चीज हम लोगों ने स्टार्ट किया एट पॉइंट बी। बी पर हम लोग देखें तो बी पर जब भी आएगा तो थीटा इक्वल जीरो डिग्री हो जाएगा और कॉस जीरो की वैल्यू आपकी होती है वन, तो वी बी इक्वल अंडर रूट जी आर थ्री प्लस टू और वी बी इक्वल अंडर रूट फाइव जी आर। ये वीसी का रूट फाइव टाइम्स है। अब देखो टेंशन को हम लोग देखें, तो टेंशन जो होगा वो पॉइंट सी पर टी माइनस एम वी कॉस थीटा, क्योंकि टी इधर लग रहा है एम वी कॉस थीटा, तो ये बड़ा होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल इधर लगता है और यही आपका सेंट्रीपिटल देगा एम वी स्क्वायर बाई आर। और टी पर एम वी कॉस थीटा
प्लस यम बाई आर वी स्क्वायर का मान रखते वो इंटू जी आर थ्री प्लस टू का स्क्वायर। ये देखो आर कैंसिल हो गया, ये हो गया एन जी कॉस थीटा प्लस थ्री एन जी प्लस टू एन जी कॉस थीटा, ये हो गया 3mg प्लस 3mg का स्क्वायर, r2 पर हो जाएगा 3mg हमें बाहर ले लिया और 1 प्लस का स्क्वायर। ये टेंशन हुआ, पॉइंट ए पर कितना टेंशन होगा, जीरो आना चाहिए, थीटा इक्वल 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू आपकी माइनस वन होती है, तो टी ए इक्वल आपका हो जाएगा 3mg 1 माइनस 1 इक्वल 0। और पॉइंट बी पर क्या होगा, थीटा इक्वल 0 डिग्री, कॉस 0 इक्वल 1 और बी ए टी बी इक्वल आपका हो जाएगा एम जी 3mg और 1 प्लस 1 और टी बी इक्वल 6mg। आप देख रहे हो अगर पॉइंट ए पर उच्चतम बिंदु पर अगर टेंशन जो है 0 है तो न्यूनतम बिंदु पर 6mg के बराबर होगा। तो ये रहा मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। इफ देन यहीं पे हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।